अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मोबिन मालवा यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए कुर्बानी के लिए बहुत शानदार चीज़ लेके आया। बकरा कोटा ब्रीड में है, फुल लंबे कानों में है, कुर्बानी के लिए भी बहुत शानदार चीज़ है। और अगर आप पलटी करें अगले साल के लिए, भरई वाले जो हैं भाई हमारे, उनके लिए भी बड़ी शानदार चीज़ है। पकड़ दो बकरे। और ब्रीडिंग के लिए अगर कोई लेना चाहे तो भी बहुत बढ़िया चीज़ है। कान पकड़े खड़ा हो जाए, ऊपर तैयार है, खड़ा हो जाए, ऊपर खड़ा हो जाए और बच्चों के साथ खेल सकता है दोस्तों। अंडुल होने के बावजूद भी देखें, इस बच्चे के साथ ये खेल रहा है। करीब करीब 8-9 साल का ये बच्चा है। आप आसानी से घर में इसको फैमिली के साथ रख सकते हैं बकरे को, अगर कुर्बानी वाले लेते हैं तो। और ये बताने का मकसद यही था भाई कि कोटा बकरा हाँ कहता है, किसी बच्चे को पास आनंद देता है और बड़े को भी पास आनंद देता है। तो इस बच्चे को इसीलिए मैंने पकड़ाया था बकरा, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ भाई फैमिली में रहने वाला बकरा है। क्योंकि इंशाल्लाह अगर मेरी पर्सनली खुद की बात करें तो मुझे खुद को भी पसंद नहीं है कि ज़्यादा मारदार अंडशंड मारने वाला बकरा हो। जाने कब जाने कहाँ पे दे पुले, कहीं क्या चीज़ एंड कर दे, भाई कह नहीं सकते हैं। तो कोटा बकरा होने के बावजूद भी मैंने इसको बहुत सादे सिंपल तरीके से पाला है। बकरा अपना घर का ही है, छोटे से बड़ा मेरे पास ही हुआ है बकरा। डिटेल की बात अगर करें तो अभी 75 kg पे लाइव वेट है, जो मैंने आज ही किया है। 36 इंच इसकी हाइट है और फिलहाल अभी 6 दांत पे है, मगर अब 8 दांत लगा सकता है भाई कभी भी, है ना। फिलहाल तो 6 दांत पे है ये। और बकरे की क्वालिटी आपके सामने है, भरा हुआ बकरा है चारों तरफ से। कुर्बानी के लिए बहुत ही शानदार चीज़ है दोस्तों, जो बड़े बकरों की कुर्बानी खड़ा हो जाए, ऊपर ऊपर खड़ा हो जाए, ऊपर खड़ा हो जाए। 8-9 साल के बच्चे ने भी आसानी से इस बकरे को पकड़ रखा है। और जिस बच्चे ने इसको पकड़ा है ये भी हमारे परिवार का बच्चा है, रात दिन संभालने वाला बच्चा नहीं है। नए बच्चे ने इसको आगे पकड़ा है तो नए बच्चे को भी उसने मारा नहीं है। हालांकि वो बच्चा बहुत छोटा है बकरे के हिसाब से। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि जिस किसी भाई को अगर चलता हो, बकरा अंडुल है ना भाई, मगर फैमिली में रखने लायक है कुर्बानी के। जिस किसी भाई को अगर चलता हो देख ले। और कुर्बानी के बकरों के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। आप अपने पास एनी टाइम कुर्बानी के बकरे आते जाते रहते हैं, बकरा ईद के टाइम पे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम भाई।